दोस्तों बिल्डिंग्स में देखा गया है आजकल की बेसमेंट देना एक कॉमन सा बात हो गई है, लेकिन बेसमेंट के बाद बहुत शायद शिकायत अब हमारे क्लाइंट्स द्वारा आती है, लोगों के द्वारा आती है कि बेसमेंट में सीपेज आ जा रहा है, बेसमेंट में नई नई परेशानियां आ जा रही हैं, पानी भर जा रहा है बेसमेंट में और ऐसी बहुत तमाम समस्याएं जो कि बेसमेंट में आती हैं। आज हम जानेंगे बेसमेंट देना ही क्यों है और बेसमेंट में इन समस्याओं को कैसे आप दूर कर सकते हैं और कौन सी ऐसी बातें हैं बेसमेंट देने से पहले आप लोगों को जाननी चाहिए। तो बेसमेंट में सबसे पहली परेशानी आती है बेसमेंट का पर्पस। आपके पास उसका पर्पस क्लियर होना चाहिए कि आप बेसमेंट क्यों प्रोवाइड करना चाहते हैं, क्योंकि बेसमेंट की कॉस्टिंग एज कंपेयर टू बिल्डिंग की कॉस्ट में थोड़ा सा हाई हो जाती है, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। सबसे पहले पर्पस क्लियर होना चाहिए, क्या आप पार्किंग के लिए पर्पस डिसाइड कर रहे हैं, क्या आपका पर्पस एक कमर्शियल बिल्डिंग बनाने का है, क्या आपका पर्पस रेजिडेंशियल रूप में आप यूज करेंगे बेसमेंट को। जैसे कि मैं अभी बेसमेंट में खड़ा हूं और यहां पर पार्किंग का स्पेस यूज किया गया है बेसमेंट में, तो आप लोग को मैं बताना चाहूंगा, देखिए सबसे पहले यहां पर आपको हाइट डिसाइड करनी पड़ेगी। यदि आप पार्किंग के लिए बेसमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप 8 फीट से लेकर 10 फीट तक का पार्किंग के लिए स्पेस यूटिलाइज कर सकते हैं, हाइट यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर यदि आप रेजिडेंशियल की बात करेंगे तो वहां पर भी आप 10 फीट तक का हाइट ले सकते हैं। लेकिन यहीं पर अगर मैं बात करूं एक कमर्शियल बिल्डिंग की, एक कमर्शियल रूप में आप इसको यूज करने जा रहे हैं, जिम बनाना चाहते हैं यहां पर, या आप यहां पर जो किसी भी तरह का शोरूम बनाना चाहते हैं, शॉप बनाना चाहते हैं, तो ऐसे कंडीशन पर बेसमेंट का हाइट आपका 10 से 12 फीट का होना चाहिए। तो 10 से 12 फीट रहेगा तो हाइट पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा, तभी आपका पर्पस फुलफिल हो पाएगा, क्योंकि बाद में हाइट के कारण कई लोग बेसमेंट को फिर अवॉइड करना स्टार्ट करते हैं। दूसरी बात जो आपको ध्यान देनी चाहिए कि बेसमेंट में जो वॉल दिया गया है वो कभी भी आप ब्रिक वॉल ना प्रोवाइड करें। देखिए बेसमेंट जो है आपका सॉइल के प्रेशर से डायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्टली सॉइल वहां से आपको प्रेशर दे रही है आपकी वॉल को, तो आपको स्ट्रेंथ तो चाहिए ही, साथ में आपको सीपेज से भी बचाना रहेगा, क्योंकि सॉइल के साथ मॉइस्चर भी एब्जॉर्ब रखती है सॉइल अपने साथ। तो आपको ध्यान देना है कभी भी ब्रिक वॉल यूज ना करें बेसमेंट के कंस्ट्रक्शन में, आपको वहां पर आरसीसी वॉल यूज करनी चाहिए। देखिए कोशिश करें एज पर डिजाइन क्राइटेरिया रहता है, लेकिन आपको मिनिमम 6 इंच का आरसीसी वॉल प्रोवाइड करना चाहिए, वहां पर आप 8-10 mm के बार आप प्रोवाइड कर सकते हैं आरसीसी वॉल के अंदर। लेकिन इसके साथ साथ आरसीसी वॉल के साथ साथ आप वहां पर एक 4 इंची का ब्रिक वॉल जरूर प्रोवाइड करें इनर साइड। देखिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखिए क्या होता है जब हम आरसीसी वॉल हम प्रोवाइड करते हैं तो आरसीसी वॉल में हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो अगर हमें देने होते हैं तो हमें आरसीसी वॉल में झिर्री काटनी पड़ती है, जो कि एक बहुत ही तकलीफदायक काम हो सकता है आरसीसी वॉल में झिर्री काटना, और उसकी स्ट्रेंथ को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। आपको उसकी सपोर्ट देने के लिए एक 4 इंच का ब्रिक वॉल उसकी सपोर्ट के साथ प्रोवाइड कर दो इनर साइड में, जिससे आपका टोटल ब्रिक टोटल जो वॉल हो गया वो हो गया 10 इंच का। 6 इंच का आरसीसी वॉल, 4 इंच का ब्रिक वॉल, सपोर्ट तो मिलेगी ही सॉइल की, और साथ में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आप इजीली क्या कर सकते हैं प्रोवाइड कर सकते हैं वहां पे। इन फ्यूचर किसी भी तरह का आपको चेंजेस करने पड़े तो वो भी आप इजीली कर पाओगे। और इससे एक और तय है कि जो बाहरी सरफेस से जो आपको मॉइस्चर कंटेंट एब्जॉर्प्शन के द्वारा मिलने वाला है उसके कारण आपकी वॉल्स में पे जाने वाली है वो आपको नहीं मिलेगी। अभी आपने जाना कि आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए बेसमेंट की, फिर आपने जाना कि आपके यहां पर जो आरसीसी की वॉल आपकी होनी चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि होता है वाटरप्रूफिंग, आपको अपने बेसमेंट का वाटरप्रूफिंग जरूर करवाना पड़ेगा, क्योंकि जब क्या होता है कि किसी भी तरह से जब वाटर लेवल हाई होता है मॉनसून सीजन में तो फ्लोर से वाटर आने लग जाता है आपके बेसमेंट में, जो कि आपके बेसमेंट में पानी भर जाता है यहां पर। इसके अलावा सीपेज आने लग जाती है वॉल से, तो आपको वाटरप्रूफिंग जरूर करानी पड़ेगी। देखिए चारों वॉल पर और इसके साथ साथ आपके फ्लोर पर और आपके दोनों फ्लोर पे, जैसे आपका बेस फ्लोर हो गया और टॉप फ्लोर हो गया, इन पे आपको वाटरप्रूफिंग जरूर करानी पड़ेगी। देखिए थोड़ा खर्चा जरूर है लेकिन आप लॉन्ग टाइम तक इससे सेफ हो सकते हैं, क्योंकि सीपेज आना तय होता है बेसमेंट में, क्योंकि चारों तरफ सराउंडिंग से सॉइल का प्रेशर और उसके अंदर मॉइस्चर है, और नीचे जो फ्लोर होता है यहां से भी आपके मॉइस्चर एब्जॉर्ब होते हुए ऊपर की तरफ आने लग जाते हैं मॉनसून सीजन में। साथ के साथ यहां पर एक बात का इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, यदि आप इसी तरह बिल्डिंग कंटेंट के साथ साथ आप सीखना चाहते हो ब्रिज कंस्ट्रक्शन या हाईवे कंस्ट्रक्शन के ट्रेनिंग्स को और लाइव देखना चाहते हो हमारे वीडियोस को, तो सिविल गुरुजी ने ब्रिज कंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नाम से एक चैनल बनाया है, जिसमें आपको डेली अपडेट मिलेगी, डेली लाइव वीडियोस मिलेंगी, जिसमें आप सीख सकते हैं ब्रिज और हाईवे की पूरी डिटेलिंग। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया हूं चैनल का, तो अभी जाकर सब्सक्राइब करो उस चैनल को और डेली अटेंड करो लाइव क्लासेस को। जब आप बेसमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको यहां पे आरसीसी का फ्लोर देना है, नॉर्मल फ्लोर देने की कोशिश मत करना, यहां पर आरसीसी का फ्लोर आपको देना चाहिए जब भी आप बेसमेंट का कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं।
अब बात आती है चौथे पॉइंट की। देखिए जैसे कि यहां पर मैं बेसमेंट में खड़ा हूं, यहां पर एक पंप दिया हुआ है। देखिए आपको हमेशा ड्रेनेज के लिए पंपिंग अरेंजमेंट देना पड़ेगा जब भी आपका पानी भरता है किसी भी कारणवश आपके बेसमेंट के अंदर। बेसमेंट ग्राउंड से नीचे है, मतलब ग्राउंड ऊपर है, बेसमेंट नीचे है, पानी को बाहर करना है। अगर किसी भी तरह अनहोनी में यहां पर पानी भरता है तो पानी के अरेंजमेंट, ड्रेनेज सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, पंपिंग अरेंजमेंट से आपको इसको बाहर करना पड़ेगा वाटर को, जिससे आप यहां पर सेफ हो जाए। देखिए बहुत लोग इसको क्या कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं, नहीं देते वाटर अरेंजमेंट और बाद में पानी भरा रह जाता है बेसमेंट में। आपको पहले से ही प्लानिंग करना है, यहां पर कुछ गड्ढा देना पड़ेगा नीचे इस तरह से, और उस गड्ढे के बाद यहां पर एक पंपिंग अरेंजमेंट आपको देना है, और उस पंपिंग अरेंजमेंट का कनेक्शन आपको बाहर करना पड़ेगा कि किसी भी स्थिति में यहां पर यदि पानी भरता है तो उस पानी को एक जगह क्या हो जाए, स्लोप मेंटेन करके, देखिए टैप फ्लोर का स्लोप मेंटेन करके एक जगह पानी स्टोर होगा और यहीं से पानी को बाहर किया जाएगा। तो इस बात का बेहद ही ध्यान पूर्वक आप ध्यान दीजिएगा जब भी आप बेसमेंट बनाओ। अगली बार इस वीडियो को देख लो और सेव कर लो इस वीडियो को, जिससे आप इन सब चीजों से बच के अपने बेसमेंट को एक अच्छे रूप में बना सकते हैं। लेकिन मिलने वाला है आपको सिविल गुरुजी का कोर्स कंटेंट। इसके लिए 9111001234 नंबर पे कॉल करो। और देखो दोस्तों, हर एक कोर्स आप बेसमेंट के अलावा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, हाईवे कंस्ट्रक्शन, आप आर्किटेक्चर कंसल्टेंसी या फिर स्ट्रक्चरल डिटेलिंग के बारे में पूरा का पूरा कोर्स जान सकते हो। इसके लिए बस आपको करना क्या है, 9111001234 पर कॉल करना है, या डिस्क्रिप्शन मैंने कोर्स के लिंक आप लोग के लिए दे दिया है, कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस कोर्स, या फिर आप हमारे साथ ऑफलाइन ब्रांच में ट्रेनिंग कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कॉल करना पड़ेगा। अभी कॉल करो और काउंसलिंग टीम से बात करो, 9111001234। लास्ट पॉइंट इस वीडियो का जो कि होने वाला है, और इंपॉर्टेंट बात, एक बात का ध्यान आपको और देना है। जैसे कि ये बेसमेंट है और मैं ऊपर आ रहा हूं ग्राउंड सरफेस पे, आप लोग को ध्यान देना है कि बेसमेंट नीचे है और ग्राउंड आपका ऊपर है। जितने भी सीवर होते हैं वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि 8 से 10 फीट नीचे दिए जाते हैं, वो आपके जमीन के 2 या 3, 4 या 4 फुट के नीचे दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको देखना है कि बेसमेंट में कभी भी आप टॉयलेट्स प्रोवाइड ना करो। रीजन इसके टॉयलेट्स ना प्रोवाइड करने का, देखिए जितने भी आपके वेस्ट पाइप होते हैं जिससे सॉलिड वेस्ट आपका बाहर जाने वाला है, लिक्विड वेस्ट आपका बाहर जाने वाला है, ये डायरेक्टली कनेक्ट, ये पाइप डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं आपके सीवर से, आउटर जो सीवर होते हैं जो आपके स्ट्रीट्स में मौजूद होते हैं। अब रीजन क्या होगा यहां से, कि जितना भी आपका सॉलिड वेस्ट होगा वो सीवर में जाने के बजाय बल्कि बैक मार सकता है आपके टॉयलेट्स में, इसलिए आपको अवॉइड करना हमेशा बेसमेंट में कभी भी आपको टॉयलेट्स प्रोवाइड नहीं करना है। ये एक रनिंग बेसमेंट है जिसमें आज मैंने वीडियो बनाया, यहां पर आप लोग के लिए ऐसी ही और हम वीडियोस लेकर आते रहेंगे। 5 पॉइंट आपको पसंद आए ये वाले, डेफिनेटली वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को शेयर कर लो, देखो सेव कर लो यदि आपको आगे कभी फ्यूचर में बेसमेंट बनाना पड़ रहा है तो, क्योंकि अगर ये बातें आपने नहीं ध्यान दी तो बेसमेंट से आपको भी समस्याएं हो सकती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।